वैसे भी एक बड़ी और अहम जानकारी से रूबरू कराता है। पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी, धारचूला में आई आपदा को लेकर सीएम का दौरा, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी, आपदाग्रस्त क्षेत्र का सीएम ने दौरा किया है और आपदा पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बताते हैं। सीएम के साथ सांसद अजय टमटा भी इस दौरान मौजूद रहे और सीएम राहत कोष से सभी प्रभावित लोगों को मिलेगी धनराशि। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश से प्रदेश में जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जगह जगह पर भूस्खलन हो रहा है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसे में इसी बीच आपदा पीड़ितों से मिलने सीएम पहुंचे थे और उनसे मुलाकात भी की है। सीएम राहत कोष से धनराशि भी अब पीड़ितों को दी जाएगी। सीएम के साथ इस दौरान सांसद अजय टमटा भी मौजूद थे और आपको बता दें कि सीएम राहत कोष से सभी प्रभावित लोगों को धनराशि दी जाएगी, मदद दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा करने पहुंचे थे। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे, सीएम हेलीकॉप्टर से 11:30 बजे धारचूला पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। धारचूला के जुमा गांव में रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जामुनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है जबकि अभी भी 2 लोग लापता है। इसी क्रम में मंगलवार को हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धारचूला पहुंचे। मुख्यमंत्री ने आपदा से हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण कर जायजा लिया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर एसएसबी के एलक्राड स्थित हेलीपैड में उतरा, जहां पर वो आपदा पीड़ितों से मिले। तो आपदाग्रस्त इलाकों में सीएम का दौरा और सांसद अजय भट्ट भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे और धारचूला में सीएम ने हवाई सर्वेक्षण भी किया और वहां पर बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात भी की है। वहीं हरीश रावत ने धारचूला को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा वहां के लोगों को बचाना बेहद ज़रूरी है, बार बार इलाकों में आती है बाढ़ बारिश जैसी स्थिति। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। हरीश रावत ने धारचूला के लोगों के लिए चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ के लोगों को बचाना बेहद ज़रूरी है, उन तक मदद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी जानकारी, यहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने धारचूला के लोगों के लिए चिंता व्यक्त की। पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र जिसमें धारचूला मुनस्यारी है और चारों तहसीलें बंगा पानी, तो मुनस्यारी, धारचूला और तेजम, तीनों की परिस्थितियां बड़ी विषम हैं और उसके लिए राज्य को एक स्पष्ट नीति जो है, वहां के लोगों की हिफाजत करना बड़ा भारी कठिन काम है। हर बार कुछ न कुछ ऐसी आपदा आती है। परसों हमारा जो विधायक है वहाँ से हरीश धामी, वो रो रहे थे जब उन्होंने मुझको आधी रात को जगा करके ये बताया कि ऐसी हालत होगी करके, क्योंकि हर बार इस तरीके के हालात पैदा हो जाते हैं। तो चमोली में लगातार भूस्खलन का दौर जारी है। विकासखंड के जुगजू गांव के ऊपर टूटा पहाड़ का हिस्सा, ग्रामीणों ने घरों को छोड़कर जान बचाई। रेणिकाओ में भूस्खलन का दौर लगातार जारी है, बीते कई दिनों से सड़क बंद है, लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। तो रेनी गांव में लगातार भूस्खलन का दौर जो है वो जारी है और ऐसे में आपको बता दें लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर पौड़ी में पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने सभी विभागों के अधिकारियों के कामों की जानकारियां भी ली है, साथ ही निर्देशित भी किया है कि वो अपने कामों को जल्द पूरा करें। वहीं इस दौरान ब्लॉक प्रमुख जहरीखाल दीपक भंडारी ने नाराजगी जताई और कहा कि हर साल जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित होती है और हर साल अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की जाती है जिनका समाधान करना अनिवार्य है, लेकिन हर बार बैठक के बाद समस्या जस की तस बनी रहती है और
उन्होंने अपने जहरीखाल ब्लॉक की सड़कों की बदहाल स्थिति के बारे में गढ़वाल सांसद तीरथ रावत को अवगत कराया, जिसके बाद गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने PMESY और PWD की सड़कों की जांच के आदेश दिए हैं। की शिकायत सामने आई है, उसके लिए मैंने निश्चित किया है कि उसकी समय सीमा और गुणवत्ता, क्वांटिटी क्वालिटी, कोई समझौता नहीं, और जो समय दिया गया है उस समय पे काम दें। बार जो हो दिशा की बैठक हो, चाहे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो, चाहे जनता दरबार हो, बार बार मैं अपने ब्लॉक की समस्याओं को बताते हुए आ रहा हूं कि मेरे ब्लॉक जहरीखाल में सड़कें जो बनी हुई है पीएम जैसे, कि इनकी हालत इतनी बदतर है कि सारा तारकोल उखड़ गया है। इन्होंने जो है पत्थर उसमें डाले ही नहीं है, तारकोल डाला ही नहीं है, सारी सड़कों पे घास उगाई है, नाली नहीं बनी हुई है, और बार बार बोलने के बावजूद भी ये अधिकारी जो है अनसुना कर रहे हैं और इन अधिकारियों के कानों में जूं ही रिंग रहे हैं। और मैंने इनसे कह दिया है, मैं आज इसलिए दिशा की बैठक में बार बार आके बोल रहा हूं कि मैं इनके खिलाफ जो बोलता हूं मिनट बुक में छप जाए, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में रिट करूंगा इनके खिलाफ, और इन अधिकारियों के खिलाफ जिन अधिकारियों ने ये पहाड़ को बर्बाद करने का काम किया है। मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूं, मैं इस राज्य की पीड़ा को समझता हूं। तो मेरा ये कहना आप लोगों से, जब तक हम ऐसे अधिकारियों को, ऐसे निकम्मेपन विभाग को, जो ये विभाग के अधिकारी हैं पीएम जैसा के, जिन्होंने इस पहाड़ को खोखला कर दिया, इस पहाड़ का जो है आज जितने भी सड़कें हैं खत्म कर दिए, बर्बाद हो गए हैं, कोई सड़कें पे जो है आज टू व्हीलर नहीं चला पा रहे, कोई छोटी गाड़ी फोर व्हीलर नहीं चल पा रही है, बसों के अलावा कोई इन सड़कों पे जा ही नहीं रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, चम्मल लग रहा है। तो मेरा ये कहना था आज माननीय सांसद जी से, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कि आप इन सब लंडोर के बुछड़खाना इलाके में सामुदायिक स्थल पर ठेकेदार द्वारा अतिक्रमण कर पुश्ता लगाए जाने को लेकर लोगों ने काफी विरोध किया। बुछड़खाने इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन निजी स्कूल को फायदा पहुंचाने के लिए अतिक्रमण कर पुश्ता लगाया जा रहा है। वहीं लोगों के गुस्से को देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने काम को रुकवा दिया है। पार्क था, उस पार्क को भी जो है इनक्रोच किया जा रहा है, तो वो गलत है। मैंने ये साहब को जो है अभी फ़ोन किया है कि आप जो है इसको काम को रुका दें, क्योंकि चाहे उनका छोटा मोटा जीने मरने का हो, वो यहाँ पर वो ये इस तरह करते थे, और उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो है कई सालों से जो है झंडारोहण होता था, और सबसे पहले जो झंडारोहण का जो स्थल था उसको जो है हटाया गया है यहाँ पे से। तो ये सही नहीं है, और नगर पालिका को चाहिए कि यदि कहीं पे भी कोई काम करे तो उसके सीमा में रह के काम करे। और हर 15 अगस्त को झंडारोहण का कार्यक्रम होता है, और 25 साल से ये कार्यक्रम लगातार चला रहा है। सबसे पहले इन्होंने इसी पे अटैक किया, इसी पे लात मारी है, फिर दूसरा नंबर ये जो पुस्ता लगा रहे हैं, इससे हमारा क्या मतलब है? ये एक छोटी सी सार्वजनिक जगह है, देख ही रहे हैं आप, छोटी सी है, हमारा मरने से लेके जीने तक का कार्यक्रम इस पे होता है, छोटी छोटी गली है, कंजेस्ट गली है कि आदमी निकल नहीं सकता, ऊपर से ये पुस्ता लगा के इनकी हेल्प की जा रही है। यानी ऐसा है, ये स्कूल भी हमारा ही है, और इसमें स्कूल में 80% बच्चे हमारे ही पढ़ते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये छोटी सी एक जो जगह है हमारे पास, नगर पालिका की जो रोड थी, वो हमने उसमें छोटा सा बैठने के लिए, थोड़ा झंडा रोहण के लिए, कोई मीटिंग होती थी उसके लिए हमने थोड़ी सी ये नगर पालिका से मन्नू के ज़माने में हमने ये बनवाया था। ये आज इसको ना छोटा पहले पुश्ता लगाया इन लोगों ने, अब और पुश्ता लगा रहे हैं, इसको ख़त्म किया जा रहा है, जबकि ये हमारे 1000 लोग यहाँ पर रहते हैं, 450 वोटर हैं यहाँ पर। ये जैसा कि अभी आपको पता है, हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमने सभी यहाँ के जो बासिंदे हैं इनसे बात की है, तो उसमें ये है कि जो पार्क है, जो यहाँ पर पार्क बताया जा रहा है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे मिट्टी, जो डिबरी डम हुई है, इसको प्लेन करने का प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये है कि जो रिटेनिंग वॉल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटेनिंग वॉल काफ़ी वीक है, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, तो इसमें एक इशू ये था कि इसकी स्ट्रेंथ को कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए एक रिटेनिंग वॉल एक्स्ट्रा बनाए जाने की एक प्लान था। लेकिन अगर इसमें किसी भी का कोई भी विरोध है तो हम उस पर डायलॉग करेंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत ही उसमें आगे काम किया। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही बाधित होने से शहर के पेट्रोल पंप खाली पड़े हुए हैं। श्रीनगर, श्रीकोट समेत मलेथा और बागवान के पेट्रोल पंपों में डीजल पेट्रोल नहीं। वहीं इस बीच जब पेट्रोल का एक टैंकर श्रीनगर पेट्रोल पंप पर पहुंचा तो लोगों की भीड़ पेट्रोल लेने के लिए उमड़ पड़ी। हाथों में बोतल लिए लोग पेट्रोल के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। लोगों का कहना है पेट्रोल डीजल न मिलने से रोजमर्रा के कामों में परेशानी हो रही है। बारिश की वजह से सड़कें बंद है, जिससे पेट्रोल नहीं आ पा रहा है।
और श्रीनगर जैसे शहर में आज पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, ये बहुत दुखद की बात है। और तमाम जो हमारे रिस्केज से और श्रीनगर तक के पेट्रोल पंप है, उनके पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। तो नहीं मिलने का जो कारण है, ये सरकार की बड़ी अनदेखी है और सरकार की बहुत बड़ी मैं समझूंगा कि ये बहुत बड़ी अनदेखी है। ये सरकार लगातार लोगों को गुमराह करती है, जबकि ये जन समस्याओं पर काम नहीं करते। क्योंकि आप देख रहे हैं इस आपदा में पूरी जो बरसात में पूरी ऑल वेदर रोड टूट के चूर बिल्कुल टूट चुकी है, और कहीं भी आज पेट्रोल की इतनी मारामारी हो रही है कि श्रीनगर में कहीं पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पूरा पेट्रोल ऊपर चार धाम के लिए पेट्रोल पंप सारे बंद हो चुके हैं। तो लेकिन इनकी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं है और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। वहीं देहरादून से बड़ी जानकारी, 7 सितंबर तक कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने जारी किया आदेश। बड़ी जानकारी अहम जानकारी, बाजार सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक खुलेंगे। पर्यटन स्थलों पर भीड़ नियंत्रण की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों की रहेगी। विवाह समारोह में 50 लोग होंगे शामिल, शव यात्रा में भी 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल। सैलून और स्पा 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति जारी की गई। तो काशीपुर की मंजिल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने काशीपुर के एल डी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में रक्तदान करते हुए नगर के युवाओं को जागरूक कर अपील की और लोगों से ज़्यादा तादाद में रक्तदान करने की अपील की, जिसकी वजह से अस्पतालों में बीमारी की वजह से ज़िंदगी से जूझ रहे मरीजों को नया जीवन मिल सके। इस दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि हमारे दर्जनों सदस्यों ने यहाँ कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों की सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो वही यदि तीसरी लहर आती है तो हमारा विश्वास है हमारा देश इसको भी मात देगा। मंजिल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर लगाया है और इसमें हम लोग जैसे ये आशंका तीसरी लहर की जो हो रही है, इस वजह से हमने ये लोगों को सामने आकर ये ब्लड डोनेट करना चाहिए और इसकी आवश्यकता भी है और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। जैसे लोग डरते हैं या इन लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये एक इससे बड़ा कोई दान। हल्द्वानी में पेयजल संकट गहराने लगा है। पिछले 10 दिनों से हल्द्वानी के वार्ड नंबर 8 कलियालपुरा वाल्मीकि कॉलोनी और जगदम्बा नगर में पेयजल सप्लाई ठप है। बताया जा रहा है कि मोटर खराब होने से पेयजल सप्लाई ठप हो गई। आक्रोशित जनता ने आज जल संस्थान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नवाबी रोड को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा यदि पेयजल समस्या का समाधान जल्द ही नहीं हुआ तो वह किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करेंगे। पेट्रोल किल्लत से त्रस्त आक्रोशित जनता की तस्वीरें हल्द्वानी की है। कुछ लोग कार से पानी ढो रहे, दूसरी तरफ परेशान जनता सड़क पर खाली बर्तन रखकर पेट्रोल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ सड़क जाम है तो दूसरी तरफ आम जनता का प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का आरोप है पिछले 10 दिनों से कुलियालपुरा वाल्मीकि कॉलोनी और जगदम्बा नगर में एक भी बूंद पानी नहीं आया। जनता करे तो क्या करे, कई बार अधिकारियों के सामने गुहार लगाई लेकिन पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ। का जो मोटर पंप थी वो ख़राब हो गई थी, तो उसको भी हम लोग निकाल करके रिपेयर करके हमने डाला था। तो नॉर्मली 5 दिन लग जाते हैं हमें मोटर निकालने में और वापस डालने में, तो कल रात हम लोगों ने डाल दिया था। लेकिन जब हम मोटर नीचे डाल रहे थे, संभवतः जो है मोटर जो है वो कहीं की जो केबल लगी होती है वो कहीं रगड़ खा के शायद बीच में कहीं वो अर्थ शो कर रही है, इसलिए फिर से दिक्कत हो गई है। और हम लोग उस मोटर को वापस निकाल रहे हैं। अब शायद 2, 4, 10, 20 कितने पाइप के बाद वो जो है जैसे ही आएगी उसको तुरंत ही केबल रिपेयर करके फिर से वापस डाल दिया जाएगा। इस वजह से एक दिन का डिले हो गया है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या कर रहे हैं अभी? हम वैकल्पिक व्यवस्था टैंकर से ही पानी दे रहे हैं और ये जो पहले बात की जाती है कि गोला का पानी भी दे दिया जाए, जब से ये एडीबी वालों ने काम किया है तो वो टोटल सिस्टम बंद हो चुका है। उसको अब जोड़ा जाना तो वर्तमान में संभव नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करें कि एक दिन में इसको चला दिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। साल हो गए यहाँ पे कुछ 2-3 परिवारों के गंदा पानी आ रहा था, तो उनके जल संस्थान ने उनके लाइन चेक करके उनका ही कनेक्शन सही करना था। और उसने जल संस्थान ने क्या किया, 30-35 परिवारों का सारे यहाँ से मेन जगहों से लाइन काट दी। और लाइन काटने के बाद क्या, उस दिन से हम पानी के बिना परेशान हैं। हर 2 महीने में फिर पानी की परेशानी आती है, टैंकर भिजवाते हैं, 2-2 बाल्टी पानी मिलता है। सर 2 बाल्टी पानी में एक परिवार का क्या गुजारा हो सकता है ना? क्या कह रहे हैं विभाग के यहाँ पे कोई आदमी पहुँचा ही नहीं है, जब भी देखो पार्षद जी को फोन करते हैं। तो कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाली लाल ढंग चिलकाल मोटर मार्ग के मध्य पड़ने वाली सिगड़ी
स्रोत पर बनी सुरक्षा दीवार कुछ महीनों में पहली बरसात में बह गई। यह सुरक्षा दीवार निर्माण के समय से ही सवालों के घेरे में रही। सुरक्षा दीवार के घटिया निर्माण के संदर्भ में स्थानीय प्रशासन और क्षेत्र विधायक को जानकारी भी दी गई, लेकिन निर्माण की जांच करने के नाम पर प्रशासन और क्षेत्र विधायक के हाथ पांव फूल जाते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा दीवार पहली बरसात में ही बह गई। खड़कवाल करवा रहा है और ये जो है मतलब आप समझ लो कि भाजपा के नेता भी हैं ये, और इसी वजह से इन्होंने ये देखो कि अपना मतलब जो है सारा जितना भी ये सुरक्षा दीवार जिसको सरकारी पैसा हम तुम लोग जनता के टैक्स के पैसे से ये सब लगाया जा रहा है, लेकिन इसके इसका किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है आप देख लो। इसमें सरिया बिल्कुल भी नहीं लगाए गए हैं और सीमेंट भी जो है यहाँ पर जो नदी में जो रेत पड़ी है, मिट्टी पड़ी है, उसी को सीमेंट के साथ मिला के इसको सुरक्षा दीवार को यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही बहुत घातक है, क्योंकि आने वाले समय में बरसात में यहाँ पे आवाजाही बहुत होती है, गाड़ियाँ जाती हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये सब यहाँ से निकलती हैं और दुपहिए वाहन वाले भी निकलते हैं, और पानी का इतना ज़्यादा वेग रहता है कि इसमें बहने का बहुत ज़्यादा खतरा है। कहना तो ये है कि जो सुरक्षा दीवार जो बनाई गई ये इस सिकंडी स्रोत में पुल से पहले, तो ये दीवार इतनी घटिया तरीके से बनाई गई कि इतना बड़ा, जबकि सब लोगों को पता है कि यहाँ पर इस सिकंडी स्रोत में बहुत बड़ा फ्लड आता है और कभी कभी आता है जब ऊपर पहाड़ों में बारिश होती है तो बहुत भयानक तरीके से नदी आती, कई बार यहाँ पर जानमाल की भी क्षति हुई है, गाड़ियाँ भी बह गई हैं। अब की बार भी एक वहाँ पर गुज्जर कोई नदी पार कर रहा था, वो मर गया था। तो बहुत भयंकर तरीके से बाढ़ आने के बावजूद भी, सब लोगों को पता होने के बाद भी, जो भी इस समय लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं या कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पता होने के बावजूद भी उन्होंने इस दीवार को बिल्कुल गुणवत्ता पे ध्यान नहीं दिया। जगह जगह निरीक्षण किया है, चाहे सुकरो नदी पे जो देव रोड का जो पुल है उसको जो कटाव हो रहा है उसका भी मैंने खुद निरीक्षण किया, चिल्लखाल, सिगटी स्रोत, गिवेश स्रोत, सभी जगह मैं खुद मौके पर गया। उसके बाद मैंने SDM, PWD, सिंचाई, नगर निगम सभी अधिकारियों को बुलाया है, सारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सबकी छुट्टियां जिला प्रशासन के द्वारा निरस्त करा दी गई हैं कि अगले जब तक बरसात का सीजन रहेगा तब तक कोई अधिकारी कोई कर्मचारी अवकाश पर नहीं जाएगा। जिससे कि इस समय हम खड़े हैं कोटद्वार की लाइफलाइन कहे जाने वाली लालडन चिल्लखार मोटर मार्ग पर, जहां पर सिगड्डी स्रोत है। सिगड्डी स्रोत में लाखों रुपए की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण कराया गया था। यहां सुरक्षा दीवार निर्माण के समय से ही गुणवत्ता के मामले में घिरी रही, लेकिन सरकार ने प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण यह पुस्ता जो लाखों रुपए की लागत से बना था वह पूरी तरह बह चुका है। और अब आपको बताना चाहेंगे, अब देखा जा रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे जो लालडन चिल्लखार को जोड़ने वाला पूरा मार्ग था वो पूरी तरह बह चुका है और इसमें अभी तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सही तरफ मायने में देखा जाए तो ये सरकारी धन को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि जो जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया था वो भी भाजपा ही कार्यकर्ता था, लेकिन जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को काम दिया जा रहा है तो वह कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल निशान खड़े करते हैं। दलीप कश्यप, इंडिया न्यूज, कोटद्वार। इस समय हम खड़े हैं कोटद्वार की लाइव नैनीताल में। सड़क हादसे में खाई में कार चौंक गिरी, जहां पर 500 फीट गहरी खाई में कार पर्यटकों की गिरी है। कार में सवार थे 4 लोग, पुलिस टीम ने सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा है। बस को ओवरटेक करने के दौरान हादसा हुआ। पालम कॉलोनी दिल्ली के हैं कार सवार पर्यटक। हरिद्वार के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वजीराबाद खड़खड़ी हरिद्वार में SDM हरिद्वार अंशुल सिंह ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपा गुप्ता नदारद पाई गई। वहीं SDM ने विद्यालय को लेकर टीचर्स से जानकारी ली। SDM ने बताया कि औचक निरीक्षण के बाद विद्यालय के अंदर कई तरह की कमियां पाई गई है, साथ ही विद्यालय में छात्रों की संख्या के हिसाब से फर्नीचर की कमी भी देखने को मिली। उन्होंने बताया विद्यालय के प्रधानाचार्य 26 अगस्त से छुट्टी पर चल रही हैं, लेकिन विद्यालय की कमियों को देखते हुए उन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब उनसे लिया जाएगा। तो जनरल थी कि जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से ढंग से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बट स्कूल में आके और भी कमियाँ पाई गई हैं। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ फाउंड वॉन्टिंग, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर जो दीवार है उसमें लैंटर में भी इशूज़ हैं, तो सीलन भी आ रखी है, कुछ फर्नीचर भी कम है। तो आई थिंक ओवरऑल इसको ओवरऑल की ज़रूरत है एंड इट्स अ गुड प्लेस,
यहाँ बच्चों को पढ़ने में हेल्प मिलेगी, अगर थोड़ा सा पुश मिलेगा तो स्कूल को हम अच्छा चला सकते हैं। चलिए इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंटर न्यूज़।